बिहार में मुहावरा खूब चलता है, दुबे साहब। बागी सारस्वत जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि सूप दूसरे तो दूसरे चलनी भी बोले जैसे खुदे 72 छेद। और राज ठाकरे कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हार पार्टियों को तोड़ने की राजनीति के कारण हुई है, लोग इस राजनीति से तंग आ चुके हैं। तो राज ठाकरे को पता नहीं था जब 7 चुनाव लड़ रहे थे तो कि क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, जो अब ज्ञान दे रहे हैं बागी। अंजना जी सबसे पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि राज ठाकरे जी कभी मिलकर के चुनाव नहीं लड़े। राज ठाकरे जी ने नरेंद्र मोदी जी के लिए समर्थन दिया था और वो बिना शर्त समर्थन दिया था। समर्थन देने का फायदा हुआ, नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वापस से उनकी शपथ विधि हो गई है, तीसरा कार्यकाल उनका शुरू है, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। अब हमारी पार्टी अपने निर्णय स्वयं करे, आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए हम अलग से लड़ें, ये पार्टी का अपना निर्णय था। आज दिन भर हमारी पार्टी की गतिविधियां रहीं, लगातार मीटिंगें चलती रहीं। अंजना जी, सबसे पहले तो ये हुआ कि आज हमारी पार्टी के अंतर्गत चुनाव हुए और जिसमें राज ठाकरे जी को फिर से अगले 5 साल के लिए पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। उसके बाद जब पूरे प्रांत भर से कार्यकर्ता हमारे आए थे जिस इस चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, उस प्रक्रिया के शामिल होने के बाद राज ठाकरे जी ने उनको संबोधित किया और संबोधित करते हुए राज ठाकरे जी ने सिर्फ इतनी सी बात कही है कि अब हम विधानसभा का चुनाव अपने बलबूते पर लड़ेंगे, हमें किसी के साथ चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से एक बार साफ कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नरेंद्र मोदी जी को खुला समर्थन था, बिना शर्त समर्थन था, हम युति में शामिल नहीं हुए थे। अब अगर हम चुनाव अपने बल पे लड़ रहे हैं तो हमने कोई गठबंधन तोड़ा नहीं है, अपना कदम आगे बढ़ाया और अपने फैसले पर महाराष्ट्र के हित के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और 200 से सवा 200 सीटों का हमने चयन किया है जिन पर हमने ये तय किया है कि हमारी पार्टी महाराष्ट्र भर में चुनाव लड़ेगी। आज बड़ी अच्छी खिड़कियां बनी है हमारे चैनल पे। शुरू के 3 वाले हैं जो बाला साहब को मानते हैं, लेकिन हाँ, एक शिंदे गुट है, एक उद्धव ठाकरे गुट है और एक एमएनएस वाले भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम आपके पास भी मैं आऊंगी अविनाश जी, जो हमारे साथ अजीत दादा गुट के हैं। लेकिन देखिए सुशील व्यास जी, आप लोगों को भी सोचना होगा, महाराष्ट्र आपके लिए एक कंसर्न पॉइंट है। मतलब ये परफॉर्मेंस अगर वैसी नहीं हो पाई है जैसे आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कार्यकर्ता को जनता साथ देगी, ऐसा नहीं है। जनता बड़ी इमोशनल होती है, राज ठाकरे ने भी इस ओर इशारा किया है, और वो बेटे को विरासत देती है, ऐसा ही दिख रहा है। मतलब सीटें आपकी, मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूं, जहां फेस टू फेस है वहां पर आप सीटें ज्यादा जीते हैं, लेकिन फिर भी एक चिंता की बात आपके लिए होनी चाहिए। जिना जी, किसी भी चुनाव के बाद आकलन होता है, चाहे जीत हो या हार, आकलन निश्चित रूप से हम लोग भी करेंगे। लेकिन और सुशील जी, उनके पास डिसएडवांटेज था, उनको पार्टी का सिंबल भी नहीं मिला था, उनको सब कुछ नए सिरे से वहां करना पड़ा। अंजना जी, मैं उसी बात पे आ रहा था जो आपने कहा, बेटे को साथ देते हैं, ठीक है, वो भावनात्मक आप अपने जगह पे सही हो सकते हैं, लेकिन आंकड़े अपनी जगह पे बोलते हैं। उन्होंने 21 सीट लड़ी, 9 जीते, हमने 15 लड़ी, 7 जीती। स्ट्राइक रेट किसका ठीक रहा, अब वो उनका, जैसे कि प्रेम भाई बता रहे थे, पूरे महाराष्ट्र में 2,30,000 वोट का फर्क है, उसी तरह से मुंबई में ऑन द कॉन्ट्ररी 2,00,000 हमारी पार्टी को ज्यादा मिले, हालांकि सीट उनको मिली है 2। बहलाइए बहलाइए, दिल बहलाने के लिए, दिल बहलाने के लिए ये बातें अच्छी है। हकीकत मेरे कहने से आपके कहने से तो झुटलाई नहीं जा सकती, जो हकीकत है कागज पे सत्य सामने, गिनती हुई है 4 तारीख को। अरे फिर गिनती को ना तो ना आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकता, बिल्कुल। लेकिन लोकतंत्र में देखिए अल्टीमेटली सीट से मैटर करता है। सुशील जी बोलिए बोलिए। चाहता हूँ कि हमारे नेता शिंदे जी को लेकर एक बयान को लेकर के बड़ी एक भ्रम फैल रहा है 2 दिन से कि उन्होंने कहा कि 400 पार के नारे की वजह से हम लोग हारे। हाँ। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि 400 पार के नारे को विपक्ष ने इस तरह से भ्रमित किया, लोगों को इस तरह से उसका गलत नरेटिव बनाकर के दुरुपयोग किया, जिसकी वजह से हमें कुछ नुकसान हुआ। उन्होंने ये नहीं कहा 400 पार का नारा हमारे लिए नुकसान था, विपक्ष ने उसका दुरुपयोग किया, गलत नरेटिव बनाकर के। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, लेकिन सुशील जी ये बयान दिए किसने थे? बीजेपी के नेताओं ने दिए थे ना, उम्मीदवारों ने दिए थे। एक लल्लू सिंह साहब जो अयोध्या से थे वो हार गए, एक वो अरुण गोविल थे, दे कौन रहा था ये बयान कि संविधान बदल देंगे 400 पार आएगा, तो बीजेपी के नेता दे रहे थे ना उसका जवाब, तो बीजेपी वाले दे देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व शिंदे साहब तो उसी को मेंशन कर रहे हैं।
मैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे थे, प्रधानमंत्री ने कम से कम दो पब्लिक मीटिंग में कहा कि कोई भी संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, कोई संविधान में बदलाव नहीं हो सकता, ये मैं गारंटी देना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं केशवानंद भारती के 1973 के सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों के जजमेंट के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि 543 सीट आने के बाद भी संविधान के साथ कोई मौलिक रूप से बदलाव कर सके। अगर कोई है तो मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस के और शिवसेना के उद्धव गुट के साथियों को, बता दे किस तरह से संविधान के अंदर घटनात्मक बदलाव हो सकता है मौलिक रूप से। केशवानंद भारती का जजमेंट हमारे हाथ बांध के रखता है, चाहे 543 की 543 सीट दी जाए। पहले आपके पार्टी के उम्मीदवारों को ये बैठे बैठे टीवी पे ही आज ज्ञान दे रहे हैं, सिखा रहे प्रेम शुक्ला जी कि अपने उम्मीदवारों को आप बोलिए कि वो ज्यादा बड़बोलापन ना करें। जल्दी से अविनाश जी के पास चलते हैं। अविनाश जी, सबसे कमजोर कड़ी पूरे महाराष्ट्र में अजित पवार ही आज दिखाई दे रहे हैं। चक्की पिसिंग टू गले लगिंग वाला जो पूरा किस्सा हुआ, नमस्कार, सबसे पहले वो जो गले लगिंग वाला किस्सा हुआ ना, वो जनता हजम नहीं कर पाई। लाइट राष्ट्र को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दे। जी जी बोलिए बोलिए। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, हम बिल्कुल इसको अस्वीकार नहीं करेंगे कि हमारा प्रदर्शन जैसे हमें जो उम्मीद थी वैसे नहीं रहा। क्या आपको आवाज आ रही है? आ रही आ रही आ रही, बोलिए। आवाज आ रही है जी? अविनाश जी आ रही है, बोलिए। तो ये आप सही कह रहे हैं कि हमने जो उम्मीद की थी उस तरह से हमारा प्रदर्शन नहीं हो पाया। हमारे ऊपर जो भी निंदा करने वाले लेख लिखे गए हैं उसका हम बिल्कुल स्वागत करते हैं, क्योंकि ऐसी ही चीजों में हमको सीख मिलती है। जहां भी हमने गलतियां की होगी, कोई कमियां रही होंगी, उनको हम दुरुस्त करेंगे। पिछले चुनाव को आप देखेंगी तो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आते हैं बिल्कुल उसी पे आधारित विधानसभा के नतीजे नहीं आते हैं, ये भी महाराष्ट्र का इतिहास रहा है। तो ठीक है, अभी हमारे एक ही लोकसभा के उम्मीदवार जीत के आए हैं, शिंदे जी के साथ ही आए हैं, भाजपा के 9 ही आए हैं, सारी गिनती करे तो 17 ही आए हैं, लेकिन विधानसभा के समय ये हालत ऐसी रहेगी नहीं। आपको काफी बदलाव 4 महीने में नजर आएगा। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में हमेशा महाराष्ट्र में जो नतीजे निकल आते हैं वो अलग होते हैं। दूसरी बात, चरण सिंह सापरा साहब यहाँ पर है, ये मेरे पुराने दोस्त है, बड़े भाई है, इनसे 99 के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं और ये यहाँ पर जो बता रहे हैं पवार साहब के लिए, वो और क्लाइंट जो भी बातें कर रहे हैं इससे मैं थोड़ा असहमत हूँ। चरण सिंह सापरा जी भी जानते हैं कि उस समय पवार साहब के करीबी कौन लोग थे और क्या हो रहा था, लेकिन आज का वो चर्चा का विषय है नहीं। ये बात सही है कि हमारे ज्यादा सीटें नहीं आई हैं, इसलिए हमें वो अधिकार नहीं है कि हम बहुत जोर देकर यहाँ पर बात रखें। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि जब विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें आपको अजीत दादा के नेतृत्व में हमारी जो पार्टी मुकाबला करेगी आपको बहुत अच्छे नतीजे नजर आएंगे। ठीक है, अब प्रेम शुक्ला जी आपके पास मैं आती हूँ, और उससे पहले आनंद जी आप हाथ उठा रहे थे, क्या बोलना चाह रहे थे? अंजना जी, मुंबई में टोटल 6 सीट है, 3 सीट शिवसेना जीती है, 1 सीट सहयोगी कांग्रेस जीती है और 1 सीट पर हम 48 वोट से हारे हैं। अगर इन मतदाताओं ने जो मुंबई कर हैं, अगर उन्होंने हमें वोट नहीं दिया है तो हम जीते कैसे हैं? अगर हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे नेताओं की पसंद ही नहीं है समाज में, तो जहाँ हमने सामने की लड़ाई हुई वहां तो आप फिसल गए सर। नहीं, मैं और आमने सामने वाली लड़ाई में तो जनता को पता होगा ना कि ये भी शिवसेना है, ये भी शिवसेना है, ये उद्धव गुट है, ये शिंदे गुट है। अंजना जी, 7 सीटें उनकी आ गई मुकाबले में और आपकी 6। जिस प्रकार धन बल का दुरुपयोग किया गया, बड़ी बड़ी शक्तियां इनके साथ लगी हुई थी, क्या इन्होंने नहीं किया? दबाव यंत्र से लेकर चुनाव आयोग से लेकर क्या क्या नहीं किया बताइए ना। हमारे एक उम्मीदवार को तो अंजना जी 48 वोटों से हरा दिया गया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांटे की टक्कर हो रही है, व्यक्ति पहले जीत जाता है, माला पहन लेता है, उसकी ताजपोशी हो जाती है, फिर 2 घंटे बाद उसको रिकाउंटिंग में हरा दिया जाता है। अगर इस प्रकार की गंदी राजनीति होगी फिर भी हमने डटकर सामना किया है, हम कहीं कम नहीं पड़े हैं और इसकी भरपाई आपको विधानसभा में दिखेगा। ठीक है, छोटा तय कर दिया है। सुशील जी छोटा सा जवाब, जोड़ की सुशील जी छोटा सा जवाब, मुझे जाना है। बीजेपी को नकार दिया है। अंजना जी, मैं भाई दुबे जी को सिर्फ 2 बातें पूछना चाहता हूँ। हाँ। कि इन्होंने कहा हम जीते वगैरह, ठीक है, बहुत ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के दुबे जी बता दीजिए कि शिवसेना के परंपरागत, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, परंपरागत कितने वोट आप लिए, नंबर एक। नंबर दो, 48 वोटों में जो रिकाउंटिंग हुई कितनी बार हुई, और अगर आप उस पर हमारे पे आरोप लगा रहे हो इलेक्शन कर, तो आपके पास मैं एक विनती करना चाहता हूं, मैं कानून का विद्यार्थी हूं, कृपा करके 45 दिन का समय है, इलेक्शन पिटीशन फाइल कीजिए, जो आपको कहना है भारत का संविधान अलाउ करता, आप इलेक्शन पिटीशन फाइल करिए, उसका मुकाबला हम लोग वहां करेंगे। अंजना जी, कोई भी उम्मीदवार किसी एक विशेष समुदाय के ही मदद से नहीं जीत सकता, ये सामूहिक जीत होती है। आप जनता के विवेक बुद्धि पे प्रश्न चिन्ह न लगाइए। और दूसरी बात, रही बात चुनाव आयोग में, हम गए हैं,
दूध का दूध पानी का पानी करके रहेंगे। जिस प्रकार सीसीटीवी फुटेज को गायब किया गया है, ये पूरी दुनिया में आ चुका है, मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है, लोग इस पर लेख लिख रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, सच्चाई सामने आएगी, हमारे उम्मीदवार पुनः जीतेंगे और आपको कहीं मुंह गड़बड़ी की आपने महाराष्ट्र में, दुबे जी बता रहे हैं। प्रेम शुक्ला, बिल्कुल कोई गड़बड़ी नहीं की, दुबे जी की समझ में नहीं आ रहा। दरअसल अब जो जहां शिवसेना भवन है, परंपरागत जो मराठियों का गढ़ है, उस माहिम विधानसभा में ये हार गए। नायगांव विधानसभा, मराठियों का गढ़ बता रहा हूं, नायगांव विधानसभा ये हार गए, कुलाबा विधानसभा ये हार गए। जीते कहां हैं? जहां मुस्लिम बहुल मुंबा देवी है, मुस्लिम बहुल भायखला है, मुस्लिम बहुल सीटों पर जीते हैं या अणुशक्ति नगर। तो आप जो है नमाज पढ़ने की सिर्फ बाकी रखा है उद्धव जी ने, सिर्फ नमाज पढ़ना, मौलवियों के हाथ चूमते चूमते जो है अनिल देसाई जी के और अविनाश अरविंद सावंत जी के जो है होंठ सूख गए। और उसके बाद आप जो है बाला साहब ठाकरे का नाम भारतीय जनता पार्टी के एनडीए अलायंस की जब बैठक हुई तो आदरणीय मोदी जी ने जिन नेताओं का नाम लिया उसे बाला साहब ठाकरे का नाम लिया। एक नेता का नाम मुझे बता दीजिए एनडीए अलायंस में जो बाला साहब ठाकरे का नाम लेता हो। शिवाजी पार्क में सभा होती है आपकी इंडिया अलायंस की, बाला साहब ठाकरे के लिए पुष्प चढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते। बाला साहब ठाकरे के का जो है पुण्यतिथि होती है, कोई भी जो है एक ट्वीट सोनिया गांधी राहुल गांधी की तरफ से नहीं आता है। और आदरणीय मोदी जी हमेशा बाला साहब ठाकरे को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो बाला साहब ठाकरे को अगर श्रीमान उद्धव ठाकरे भूल गए हैं तो महाराष्ट्र की मराठी जनता भी भूल गई। कोकण में आप एक सीट नहीं जीते हैं जो कोकण आपका गढ़ हुआ करता था, एक सीट शिवसेना नहीं जीती है। रायगढ़, रायगढ़ आप हार गए, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग आप हार गए, कल्याण आप हार गए, ठाणे आप हार गए। उसके बाद आप जीते मुंबई में, जवाब दीजिए इसका। एक सीट नहीं, आपके गढ़ वो बता रहे हैं रायगढ़ से लेकर, वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। मुंबई में अगर एक सीट पीयूष गोयल जी वाली उत्तर मुंबई हम छोड़ दें, वहाँ हमें बहुत कम वोट मिले हैं, हमें मानते हैं, हम जनता जनार्दन के सामने नतमस्तक होते हैं, लेकिन जो बाकी 5 सीटें हैं वहाँ हम जीते ही हैं। वहां अगर सबने हमें वोट नहीं दिया, मुंबई का मराठी मानुस हमें वोट नहीं दिया, तो ये 5 लाख 4 लाख 8 लाख वोट दिया किसने? किसकी आबादी है? फिर हम जीते कैसे हैं? आप जनता के विवेक बुद्धि पे प्रश्न लगा रहे हैं बीजेपी वालों। जनता जनार्दन मुंबई की सुन रही है, आपको देख रही है, ये अच्छी बात क्या नहीं लगा रहा है? मैं आपका विश्लेषण कर रहा हूं बाबू, कोकण में भी अच्छी खासी मराठी बोल देती है। अरे भाई, तो माही में कांटे की टक्कर हुई है, माही में कांटे की टक्कर हुई है। आप बताइए दादा जी, मुंबई में मुंबई अभी आप नए नए हैं, मुंबई आप जानते नहीं है, आप अभी कांग्रेस से नए नए आए हैं। अगर आप मुंबई नहीं जानते हैं, आप मुंबई जानते नहीं है, आप क्या मुंबई में पूरा लीजिए, गजब है, मुंबई में रहते बताइए ना, माही सीट पे आप पता नहीं कहां बैठे हुए। मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं बताइए, आप यहां वहां की बात कर रहे हैं, मैं वही बता बात कर रहा हूं कि मुंबई में मुंबई है रहने वाले जनमानस, मेरी जड़ मुंबई है, मराठी बोल सकता का तुम्हें? अरे मी मराठी बोलता का दादा, बोलू शकता का? मराठी चाहे तुम्हाला जेवढी मराठी बोलणार हो, मी बोलतोय काय कसं मराठी कुठे जन्म झाला? तुम्ही बोला बाळासाहेबांचं असं म्हणणं होता की जो माणूस जो म्हणून 10वी चा काय, अरे भूल गए दोनों मराठी में बात करने लगे, यही होता है शिवसैनिक आहे, पुरानी मोहब्बत जब नफरत बनती है, प्रवक्ता है तुम्ही, शिवसेना सोडला आहे, पुरानी मोहब्बत जब नफरत बनती है, होऊ शकत नाही असा, कदाचित होऊ शकत नाही। अंजना, एक वक्त की मोहब्बत ऐसी नफरत बनी है, महाराष्ट्र में जानकारी भी नहीं है, मुंबई में नहीं, नहीं। मैं मराठी माणूस हूँ, मैं मराठी धरने से रिलेशनशिप खराब हो जाए तो बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है। अंग्रेजी बोल सकता हूँ, किसी भी भाषा में बात करिए आप ऐसा न कहिए, ये आप लोग गंदी राजनीति करते हैं, आप जाति धर्मों को तोड़ते हैं, लोगों को भेदभाव करते हैं, यही आपको महाराष्ट्र की जनता ने सबक सिखाया, सुधर जाइए वरना 2024 के विधानसभा में सूपड़ा साफ हो जाएगा, सूपड़ा साफ हो जाएगा, आप विपक्ष में बैठने लायक नहीं बचेंगे, वो पद भी एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार ले लेंगे, उनसे बचिए, उनसे बचिए। आप यहाँ वहाँ बात कर रहे हैं, मैं सीधी सीधी बात पूछ रहा हूँ, मैं सीधी सीधी बात पूछ रहा हूँ दुबे जी, पूछिए ना साहब, नायगांव मराठी बहुत सीट है कि नहीं है? अरे तो हम वहाँ कांटे की टक्कर दिए हैं, कोई भी आंकड़ा लेकर बैठिए ना, हवा में तो बात नहीं होगी, कितनी वोट उनको मिली, कितनी वोट हमें मिली, अगर हमारा सुपड़ा साफ हुआ हो, अरे हम जीते हैं भाई, हमारे चार चार सांसद हैं, 6 में से 4 सांसद जिसका होता है वो हारता है, कमाल करते हैं, एक उत्तर मुंबई छोड़ दे तो 5 जगह आपका सुपड़ा साफ हुआ है,
कागज पर आप अगली बार नमाज भी पढ़ेंगे, अनैतिकता की है, अगली बार नमाज भी पढ़ेंगे आप, देखेंगे जोर जबरी से नमाज भी पढ़ेंगे है, वो भी चार महीने आप चुनाव आयोग में हारेंगे। और आप सुन लीजिए, आपको इतनी नफरत क्यों है मुसलमानों, क्यों इतनी नफरत करते हो, वो भी भारत के नागरिक हैं, वो भी देशभक्त हैं, वो भी राष्ट्रवादी हैं। बाला साहब ठाकरे जी हमेशा कहते थे शिवसेना जात पात नहीं मानती, धर्म की बात नहीं करती। एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, बाला साहब कहते थे धर्म की बात मत करो, अब्दुल हमीद साहब भी एक बहुत बड़े लड़ाकू थे, बाला साहब कहते थे धर्म की बात मत करो। आज तीन चार यहाँ पर बाला साहब पर ज्ञान रखने वाले एकदम लोग बैठे हैं। वागी जी भी एक वक्त पर बहुत शिवसेना को डिफेंड करते थे, मुंबई बम कांड का भी उनका प्रचार कर रहा था, मुंबई बम कांड का भी बाला चौहान, आपकी पुलिस फेल है, आपकी पुलिस के रहते अगर बम कांड बाला चौहान मंत्री जी का अंजना जी मैं बोल बाला साहब तो कहते थे आपके जीवन में कुछ भी हो जाए कांग्रेस के साथ नहीं जाना है। वागी जी बोल रहे हैं, वागी जी भी अब भिड़ रहे हैं आनंद दुबे से, तीनों चारों बल्कि जो बहुत करीब है। एक बात अरे इसके बाद सापरा साहब आ रही हूँ, प्रेम शुक्ला जी, आनंद दुबे और वागी सारस्वत को दिखाइए। सबसे पहले तो ये अच्छा लगा कि हमेशा उत्तर भारतीय का राग गाने वाले आनंद दुबे आज राष्ट्रीय चैनल पे ये घोषित कर रहे हैं कि वो मराठी हैं। बहुत अच्छी बात है कि आज उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि वो मराठी हैं, परंतु ये स्वीकार करने के साथ साथ ये वो भूल गए। देखिए अभी बोलिए मत, अभी आपको इतने देर से हमने सुना है ना, तो जरा सुन लीजिए, आप हैं मराठी, अभी थोड़ी देर में आप उत्तर भारतीय हो जाते हैं ना, तो वो तो धन्यवाद तो आपको करना ही पड़ेगा कि हम आपसे प्यार करते हैं। धन्यवाद बोलिए, नहीं नहीं धन्यवाद को आप संभाल के रखिए, लेकिन हमारी लानत को भी संभालिए कि आपने बाला साहब की सीखों को साइड में छोड़ दिया है, आपने उसको माना नहीं है, उसको स्वीकार नहीं किया। बाला साहब लगातार कहते थे कि कांग्रेस के साथ में कभी नहीं जाएंगे, कांग्रेस के अपना दुश्मन मानते थे, लेकिन आप हमेशा बाला साहब के कही को छोड़ करके कांग्रेस के साथ बैठे हैं। अभी सबको बता रहे हैं कि बाला साहब ये कहते थे, बाला साहब वो कहते थे, राज साहब ने यही कहा है कि बाला साहब को जिसने भी महाराष्ट्र में हल्के में लिया है उसकी दुर्गति हुई है। तो आनंद जी आपने बाला साहब के सुपुत्र ने भी बाला साहब को बहुत हल्के में लिया है। अभी प्रेम जी का मैं समर्थन करता हूं, थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आपके नेताओं ने किसी भी सभा में चुनाव प्रचार में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का नाम सम्मान के साथ नहीं लिया, उनको पुष्पमालाएं अर्पित नहीं की गई। आपके जो सहयोगी दल थे उनके साथ जब आप बैठे हैं तो उन लोगों ने बाला साहब का सम्मान नहीं किया है। और आप देखिए जिसने भी बाला साहब को अपमानित किया, उनको हल्के में लिया, वो खुद हल्के हो गए हैं, उनके पास वजन बचा नहीं, ठीक है, मुझे अन्य मेहमानों के पास जाना है। आनंद दुबे जी छोटा सा जवाब, अभी वो मसाल लेकर छोटा सा जवाब, लेकिन बाकी लोगों से छोटा वाले वर्ष में ये मसाल भुजने की तरफ आगे बढ़ रही है। अंजना जी, कांग्रेस पार्टी के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता मातोश्री आते हैं, आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब जी से भेंटघाट करते हैं, मुलाकात करते हैं, हमारे यहाँ बड़ा अच्छा समन्वय है, हमारे आपकी तरह कोई मतभेद नहीं है कि कोई भी नेता उठकर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोल रहा है। इतनी हिम्मत आप लोग कहाँ से जुटाते हैं? टाइम खत्म हो रहा है, सापरा साहब, सापरा साहब जल्दी से, सापरा साहब बोलने, सापरा साहब, सापरा साहब, अगर बीजेपी या महायुति जीते तो आप लोग कहते हैं कि वो उन्होंने धन बल पे जीते, इस पर जीते, अगर इधर जीत होती है तो प्रेम शुक्ला जी की पार्टी कहने लगती है कि देखिए इनको तो खास समुदाय का वोट मिला इसलिए जीते, ना हार में बिटरनेस नहीं आना चाहिए। नहीं देखिए, दरअसल नहीं, दरअसल अंजना जी बात यह है कि ये जो महायुति या खोखे सरकार है ना, ये मजबूत सरकार नहीं है, ये मजबूर सरकार है, ये नतीजों में पता चल गया है। ये लोग जमीनी मुद्दों से कोसों दूर चले गए थे इसलिए इनका ये हाल हुआ। ये क्या करते हैं, जातिवाद को लाते हैं या फिर अपना पीआर टीआरपी हेडलाइन मैनेजमेंट, इस तरह के काम इनको पसंद है, ये करते रहे। लेकिन महाराष्ट्र की जनता के जो मूल मुद्दे, जैसे यहाँ पर मराठा आरक्षण का मुद्दा था, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा था, इन मुद्दों को इन्होंने नकारा है।